वो प्लेन वाले इसको रेडियो करके कह रहे हैं, तू कौन है, क्या कर रहा है, दूर हो जा, मैं मार देंगे तेरे को। ओ, ओ, ओ क्या कर रहा है, पूरा घुसा दिया। अरे मत बैठ की टांग। अरे ट्रेवर सही में सबसे ज्यादा संकी आदमी इस दुनिया का। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, वेलकम टू गेम कीपर्स। तो GTA के पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि फ्रैंकलिन तो लेस्टर के लिए दो असैसिनेशंस करता है, लेकिन माइकल और ट्रेवर मार्टिन मद्राज़ो के लिए एक मिशन करते हैं जिसमें उनको माइकल मद्राज़ो के ही एक आदमी को मारना होता है। तो ये दोनों एक बहुत ही हाई टेक गन यूज करके एक प्लेन को आसमान में से शूट डाउन करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन यू आर मिसिंग आउट बिग टाइम। प्लीज जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ट्रेवर माइकल से पूछता है कि इस जॉब को करने के लिए पैसे कितने मिलेंगे। माइकल ट्रेवर को साफ मना कर देता है कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ट्रेवर उसकी सुनता नहीं है। ट्रेवर किसी की नहीं सुनता, आप लोगों को पता ही है। तो ऑब्वियसली ट्रेवर जाता है मार्टिन के पास और जाके बोलता है, भैया इस काम के इतने पैसे हो गए, बता कैश देगा या चेक। मार्टिन इस बात पे जब लड़ने लगता है तो ट्रेवर उसका तो बैंड बजाता है जो बजाता है, उसकी बीवी को उठा लाता है और उसी की गाड़ी में उठा के लाता है, सबसे मजे की बात। एज अ रिजल्ट ट्रेवर और माइकल दोनों को अंडरग्राउंड होना पड़ता है, क्योंकि इलीगली तो वो जो करेगा सो करेगा, किडनैपिंग में वो इनको लीगली भी फंसा सकता है। तो अब अपन माइकल और ट्रेवर बनके तो खेल नहीं सकते, तो अपन फ्रैंकलिन की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि इन तीनों के हाथ में एक बहुत बड़ा जॉब है जिसमें इनको 5 गाड़ियां चोरी करनी है डेविन वेस्टन के लिए। 5 में से 3 गाड़ियां तो अपन चोरी कर चुके हैं और आज अपन चौथी गाड़ी चोरी करने जा रहे हैं। ये चौथी गाड़ी अपन को फिल्म स्टूडियो में से चोरी करनी है। फिल्म स्टूडियो वही वाला है जहां पे माइकल सोलोमन रिचर्ड्स को मिलने जाता है। तो मेरा बड़ा मन था इसका पूरा हुलिया चेंज करने का फ्रैंकलिन का, तो आज मैंने इसका नया आउटफिट तो चेंज कर लिया है। अब मैं इसका हेयर स्टाइल और दाढ़ी वगैरह भी सब चेंज करूंगा आने वाले मिशंस में, तो हो सकता है इसी वीडियो के अगले पार्ट में मैं इसका हुलिया चेंज कर दूं। तो अब मैंने लोकेशन मार्क कर ली है फिल्म स्टूडियो की जहाँ पे अपन को जाना है। वहाँ पे पहुँचने के बाद अपन को मॉली को फ़ोन लगाना है। मॉली आप लोगों को पता ही है डेविन वेस्टन की लॉयर है, तो वो अपन को फर्दर इंस्ट्रक्शंस देगी कि अपन को क्या करना है। गाड़ी जो अपन को चोरी करनी है आज, वो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल की गाड़ी है। उस गाड़ी में से स्पाइक्स भी निकलती हैं और उसमें बंदूकें भी लगी हुई हैं और बड़ी शानदार गाड़ी है। तब अपन पहुंच चुके हैं, मैं मॉली को फोन लगा लेता हूं। Hey Molly, I'm outside the studio. All right, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. ओके, तो बड़ा सिंपल सा है, अपन को अंदर जाना है और या तो अपन एक्टर के हिसाब से मतलब कुछ अपन होलिया चेंज करके अपना और उस गाड़ी के पास जा सकते हैं, क्योंकि उस गाड़ी के पास जाना सबको अलाउड नहीं है और अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी सिक्योरिटी है। तो ये देखो आप, इधर भी काफ़ी सारे आदमी हैं, अंदर काफ़ी सिक्योरिटी है, तो अपन गाड़ी के पास ऐसे तो जा नहीं सकते। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ चारों तरफ कोई। यहाँ पे पिछली बार आपको ध्यान होगा पुलिस वाला था जब अपन माइकल बन के आए थे, ये कौन है? ये तो मुझे लग रहा है वो एक्टर है जो इस मूवी का एक्टर होगा जिसकी शूटिंग चल रही है अभी। हाँ, ये इतने नखरे कर रहा है ना कि मेरे को ये फल ये वाला खाना है और सलाद ये वाला खाना है, ये एक्टर ही है साला। एक्टर ही इस तरीके के नखरे करते हैं। बेचारा लड़की पे चिल्ला रहा था, ये बेसुरे चुप जा, इसको मैं चुप करा ही देता हूँ, नहीं तो अरे क्या कर रहा है ये साला, गाने गा रहा है। अब मैं इसको घसीट के अंदर ले चलता हूँ और इसी के कपड़े चेंज कर लेता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ मैं इसके, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं इसका स्टंट मैन हूँ, है ना। तो अपन ये काम कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है। तो अब मैंने इसके कपड़े पहन लिए और अब सबको मैं ऐसे ही बोलूँगा कि मैं उसका स्टंट मैन हूँ और मैं स्टंट करने जा रहा हूँ। तो स्टंट मैन क्योंकि गाड़ी के पास अलाउड है, तो अब अपन गाड़ी में बैठ सकते हैं। फ्रैंकलिन लग कैसा रहा है, ऐसा लग रहा है साला कोई शादी पार्टी में जा रहा है। क्या यार, इधर जाना है। ओके, वो गाड़ी है क्या सामने? अच्छा यहाँ पे देखो सिक्योरिटी है, देख रहे हो आप? ये कौन चिल्ला रहा है? ये डायरेक्टर है मेरे ख्याल में, डायरेक्टर चिल्ला रहा है कि एक्टर कहाँ है? हाँ, मैं स्टंट वाला हूँ। अरे वाह, एक्ट्रेस भी बैठी है, इसको भी ले चले क्या अपन साथ में? एक्ट्रेस को ले चलता हूँ, फटाफट बैठ जाता हूँ गाड़ी में। सबको पता ही लग गया कि मैं कौन हूँ। Oh, fuck, 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 सब गोलियां चलाने लग गए। अरे सालो हटो। अरे यार, तो गाड़ी की कंट्रोलिंग ही बड़ी बेकार है यार। Fuck, 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 fuck. अरे मैं तेरे को लेके चल रहा हूँ यार,
अभी तेरे को पार्टी में लेके चलूंगा, टेंशन मत ले। अरे साली क्या कर रही देख, अरे स्टीयरिंग पकड़ ली साली ने। अरे मेरे को गाड़ी चलाने दे मैडम। अरे यार ये तो गाड़ी नहीं चलाने दे रही, बार बार स्टीयरिंग घुमा दे रही साली। अरे गाड़ी चलाने दे। अरे भिड़ गए तो तेरे को भी तो चोट लगेगी, पागल होगी क्या? अरे यार ये चोरी तो गाड़ी नहीं चलाने दे रही। अरे गाड़ी चलाने दे मैडम मेरे को। अरे यार अपने पीछे सिक्योरिटी भी पड़ गई और ये साली अपनी बार बार स्टीयरिंग घुमा दे रही है और अपन भिड़ जा रहे हैं। ओह फक, अरे गाड़ी चलाने दे मेरे को। अरे गाड़ी नहीं चलाने दे रही साली। Stockholm syndrome won't work on me, fuckball. Look, I respect you as an artist and a human being, but I got other priorities. Franklin उसको कह रहा है, देख तू एक्ट्रेस बड़ी अच्छी है, मैं तेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तू आर्टिस्ट बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरे को गाड़ी चलाने दे जल्दी, नहीं तो मैं चुप करा दूँगा तेरे को। देख साली गाड़ी नहीं चलाने दे रही यार, बार बार ऐसे स्टीयरिंग घुमा दे रही है। खैर मैंने आपको बताया था ना ये गाड़ी बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल की, देखो आगे इसमें गन्स भी लगी हुई है और इस गाड़ी में स्पाइक्स है। तो अपन, और यार ये लड़की मेरे को गाड़ी नहीं चलाने देगी, तो अपन क्या स्पाइक्स इसमें से रिलीज कर सकते हैं? जैसे ही अपने पीछे सिक्योरिटी वाले जो आ रहे हैं ना, जैसे वो जस्ट अपने पीछे होंगे ना, अपन स्पाइक्स रिलीज कर देंगे तो उनके टायर पंचर हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे। एक गाड़ी तो गई, एक गाड़ी तो खत्म हो गई, अब अपन को दूसरी गाड़ी से पीछा छुड़ाना है। अच्छा वो काफी दूर है, अभी मैंने स्पाइक्स रिलीज तो करी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब मैं एक काम करता हूँ उसको ना पास आने देता हूँ, जैसे ही वो पास आ जाएगा तब मैं स्पाइक्स रिलीज करूंगा, तो उसके टायर पंचर हो जाएंगे और अपन फ्री हो जाएंगे। देखते हैं एक बार, आजा आजा बेटे आजा 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 आजा। अरे ज्यादा ही पास आ गए साले, इसने छोरी ने स्टीयरिंग घुमा दी, मैं कर नहीं पाया। ये बात, दूसरी गाड़ी भी खत्म। अरे मस्त, इसमें वो भी इजेक्टर सीट भी है, शानदार। चलो ओके डार्लिंग बाय बाय। इजेक्टर सीट थी इसमें गाड़ी में, मस्त। उसको छोरी को तो बाहर फेंक दिया। अरे सॉरी यार भाई, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता था। चलो अब फ्रैंकलिन ने मॉली को फोन करके बता दिया है कि गाड़ी अपन ने सक्सेसफुली चोरी कर ली है। What kind of shape is the car in? We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Both of those are going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. तो अब मॉली से बात हो गई है, अपन को गैराज पे लेके जाना है जहाँ पे अपन गाड़ियाँ पहले भी लेके गए हैं, तो उसी गैराज पे लेके जानी है इस गाड़ी को। गाड़ी की जो कंडीशन है अपन ने बता दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी पूरी की पूरी वहाँ पे रिपेयर हो जाएगी। मॉली कह रही है यहाँ पे ना कोई सस्पिशियस आदमी भी है, तो अपन को उसको देखना है एक बार कि कौन है। तो मैं एक बार चारों तरफ देख लेता हूँ, मेरे को कोई दिख तो नहीं रहा यार। अब कहाँ तक अपन ढूंढेंगे? तो अपन एक काम करते हैं, गाड़ी लेके अंदर चलते हैं, उसके सिक्योरिटी वाले हैं वो ढूंढेंगे ना, अपना काम थोड़ी है ये। अपना काम था गाड़ी चोरी करने का जो अपन ने कर ली, अब चलते हैं अपन, गाड़ी सौंप देते हैं उसको। ये खड़ा वो जोकर साला डेविन वेस्टन। Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know, movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so we just did is practically legal. Ha! Practically. Oh, देख ये shady character साला. You doing it big, my Lamar. On the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly Hell what you yeah. could do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town.
Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. Here's what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. तो लमार ने ट्रेवर से मदद लेके और फ्रैंकलिन का पीछा करके यहाँ तक पहुंच गया कि फ्रैंकलिन कितने बड़े बड़े काम कर रहा है और मोटे पैसे कमा रहा है, मेरे को भी पैसे कमाने हैं। तो इस मौके का फायदा उठा लिया डेविन वेस्टन ने, उसको एक और आदमी मिल गया उसके लिए काम करने के लिए। अब फ्रैंकलिन को वैसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है कि लमार ने उसका पीछा करके और अब यहाँ तक पहुंच गया वो डेविन वेस्टन तक, और अब वो भी इसके लिए काम करेगा। फ्रैंकलिन ने यहाँ तक बोला कि तुम मेरे चार गाड़ियों के पैसे दे दे, पांचवी गाड़ी तो इससे अपने आप करवा ले। लेकिन आप सबको पता है फ्रैंकलिन बस ऊपर से ऐसे बोलता ही है। फ्रैंकलिन लमार की काफ़ी अच्छी दोस्ती है और वो उसको भाई की तरह ही मानता है। तो अब दोनों मिलके मेरे ख्याल में अगला मिशन करेंगे। आप लोगों को नया हुलिया कैसा लगा फ्रैंकलिन का? अब अपन यहाँ से जा रहे हैं माइकल के घर पे देखने के लिए कि माइकल कहाँ पे है, क्योंकि फ्रैंकलिन को अभी तक पता नहीं कि माइकल कहाँ पे है। माइकल ने कोई फ़ोन करके नहीं बताया, कुछ नहीं हुआ। अरे 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 अंकल, क्या हो गया? थोड़ा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ है। क्या हो गया अंकल, इतना बड़ा ट्रक आपका, गाड़ी तो मेरी ख़राब हुई है। अरे यार, ये अंकल तो मानने को ही राजी नहीं है। इनको अंकल को मेरे को सुलाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ओके अंकल, प्लीज़ सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको ऐसे मारना बड़े लोगों को, लेकिन अब ओ आपको मारना ही पड़ेगा। क्या करूँ मैं, आप मान ही नहीं रहे। आप अपनी बीवी से लड़के आए हो, गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो, बताओ ये कोई बात हुई क्या? तो अब अपन पहुँच गए हैं यहाँ पे माइकल के घर पे। अब फ्रैंकलिन झांक के देख रहा है लेकिन इसको मिल नहीं रहा, तो अब ये फोन मिला रहा है माइकल को। देखते हैं माइकल कहाँ पे है। अपन को तो पता ही है, फ्रैंकलिन को पता नहीं है। Where you at, man? Your house is empty. Hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that's nice. दोनों ट्रेवर के घर पे हैं ये दोनों। Me and T did that job for him and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So ये तो खराटे ले रहा फुल। Desert? Out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing to say about that. Run! Run! Udiga. Rawal udiga. Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely. What's that, your maid? Oh, business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And that, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Left to glass, pal. You miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? Oh, fella. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to requisition it. Fantastic. Let's go. I'm in. Whoa! No! Not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low and watch her. Okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go. Must. और बड़ी शानदार न्यूज़ पता लगी अभी रॉन ने पता किया है कि मेरीवेदर वाले जो हैं, वो लोग कोई बहुत सारे वेपन्स लेके और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं प्लेन में कोई से। तो वो अब अपन हाईजैक करने जा रहे हैं उस प्लेन को। तो मस्त, गेट इन द प्लेन। अच्छा, अरे मस्त। Gonna take out a private army on the ground, Ron. We gotta meet them in the air. अरे मस्त। शानदार। तो प्लान ये है कि ट्रेवर एक प्लेन उड़ा के और उनके प्लेन को इंटरसेप्ट करेगा और उस प्लेन को हाईजैक कर लेगा जिस प्लेन में वो लोग वेपन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, मेरीवेदर वाले। मेरीवेदर वही प्राइवेट आर्मी है जो गवर्नमेंट के लिए वो वेपन संभाल रही थी। अरे मस्त यार, बहुत ही मजा आने वाला है इस मिशन में मेरे को लग रहा है। तो अब अपन इसकी जो प्राइवेट एयरफील्ड है उस पर जा रहे हैं, अपन मैकेंजी एयरफील्ड पे।
और वहां से अपन एक प्लेन लेंगे और उस प्लेन को हाईजैक करने के लिए चलेंगे यहां से। अब अपन पहुंच गए मैकेंजी एयरफील्ड पे। रॉन इससे पूछ रहा है कि माइकल ये मेरे को तो लगा था बड़ा खतरनाक सा होगा, तो कह रहा है हाँ ये माइकल यही है। उसको क्या पता कि माइकल ऐसा गधा सा है बिल्कुल। खैर किसी को देख के को थोड़ी पता लगता है कि वो इंसान है कैसा। अब ड्राइवर देख रहे हो कितना खतरनाक है, और है भी खतरनाक लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। माइकल साला अच्छा लगता है देखने में, और कैसा हरामी है ये सबको पता ही है। खैर जो अपने दोस्त को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। ये प्लेन देखो कौन सा लिया, ये खेतों में दवाई छिड़कने वाला प्लेन है। खैर उड़ तो अच्छा रहा है, मैंने बढ़िया से एक 360 करके देख ली, उड़ तो अच्छा रहा है। अच्छा फोर्ट वैंकूवर जो मिलिट्री का एयरबेस है जहाँ से अपन ने हेलीकॉप्टर चुराया था, वो लोग इसको सारे प्लेन्स को इस वक्त यहाँ पे क्या मॉनिटर कर रहे हैं ढंग से। और देखो अपन जरा सा ही ऊपर हुए जमीन से, जैसे ही जरा सा भी एल्टीट्यूड लिया तो वो लोग इसको ट्रैक कर लेंगे। उन लोगों ने रेडार लगा रखे हैं और किसी भी प्लेन को इस पूरी विसिनिटी में आसपास कहीं पर भी उड़ने नहीं दे रहे इस वक्त। अरे वोरा प्लेन दिख गया अपन को, जो अपन को कार्गो प्लेन जो अपन को हाईजैक करना। ओ यार मेरे को बहुत ही नीचे उड़ाना पड़ेगा लग रहा है, जैसे मैं जरा सा भी ऊपर हो रहा हूँ ना तो वो तुरंत वो टी टी बजने लग जा रहा। कह रहा है वहां जाके देखूंगा कैसे लूटना है। रॉन ने पूछा यार तू करेगा क्या ये तो बता, तू प्लेन लेके जा रहा है उस प्लेन के पास लेकिन तू करेगा क्या। कह रहा है मेरे को पहले वहां पहुंचने दे फिर मैं अपने आप देख लूंगा क्या करना है। ट्रेवर मस्त है यार। प्लेन है तो बढ़िया यार, मजा आ रहा है उड़ाने में। ये रहा फोर्ट वैंकूवर अपने राइट में चल रहा है इस वक्त, तो अपन को काफी लो उड़ाना है प्लेन को ताकि उनके रेडार में ना कैच होए अपन। किसी ने देख लिया तो बात अलग है, लेकिन अपन रेडार में तो नहीं आएंगे इस तरीके से नीचे उड़ने पर। इस वाले ब्रिज के नीचे से लूं यार। ओ यार बहुत ही लो उड़ाया ये तो, मजा आया। अब ज्ञान दे रहा है कि उसमें यार चार मोटरें हैं, इतना बड़ा प्लेन है तो उसका पीछा करेगा कैसे, और तू पहुंच भी जाएगा तो क्या करेगा ये तो बता दे। कह रहा है मेरे को सब पता है कि मैं एक क्रॉप डस्टर में हूँ, मैंने आपको बताया ये दवाई छिड़कने वाला फार्मर्स का प्लेन है यार, है ना। तो कह रहा है तू इससे करेगा क्या, कोई इसमें गोली नहीं कोई बंदूक नहीं, तू करेगा क्या। कह रहा है मेरे को पहुँचने दे मैं अपने आप कर लूँगा जो करना है। अब क्या पता ट्रेवर क्या करेगा, इसका दिमाग अलग ही है, अलग ही लेवल का दिमाग है इसका ट्रेवर का। अच्छा मैंने एल्टीट्यूड तो जरा भी नहीं लिया, लेकिन आपने देखा जैसे अपन ब्रिज के बगल में थे तो जमीन नीचे थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन से प्लेन का डिस्टेंस कितना है, कितनी हाइट है, कितना एल्टीट्यूड है, वो कैलकुलेट हो रहा है इस वक्त। ओके तो ठीक है, मैं तो बड़ा सिंपल सा काम करता हूँ, रोड के ऊपर उड़ाता रहता हूँ बस। देखो फिर मैं जैसे ही बस साइड हुआ एल्टीट्यूड नहीं लिया, लेकिन फिर से वो अलार्म बजने लग गया था, बजर बजने लग गया था, जिससे अपन को पता लग रहा है कि एल्टीट्यूड हो गया ज़्यादा। तो इधर अगर अपन पहाड़ के ऊपर चलेंगे तो अपन थोड़ा सा ज़्यादा एल्टीट्यूड ले सकते हैं मेरे ख्याल में, तो मैं कोशिश ऐसे ही करता हूँ रोड के ऊपर चलाता रहता हूँ, मज़ा भी आ रहा है नीचे गाड़ियाँ देखने में और पूरी सीनरी देखने में यहाँ से ऐसे। वाह यार बड़ा ही मज़ा आ रहा है इसको उड़ाने में, प्लेन को प्लेन उड़ाना GTA में अलग ही मज़ा है प्लेन उड़ाने का। अरे ये क्या हुआ, अरे मेरी ज्यादा हाइट हो गई मैं नीचे लूं फटाफट। अरे यार ये क्या हुआ, मैं पहाड़ के ऊपर भी आ गया फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा यार, मैं रोड के ऊपर जाऊं वापस, रोड के ऊपर जा रहा हूं यार जा रहा हूं। अरे क्यों परेशान हो रहा है, मेरे को पता है यार अगर अपन ने ज्यादा हाइट ले ली ना और अगर अपन ने अलार्म बजने दिया और परवाह नहीं करी तो तुरंत यहाँ पे जेट्स आ जाएंगे और वो अपन को उड़ा देंगे, मिसाइल लॉन्च कर देंगे वो लोग और अपन को उड़ा देंगे, तो वो नहीं करना है अपन को, अपन को बस ऐसे ही बच के चलना है। अब कितनी देर तक, अरे वाह हो गया, मैं यही सोच रहा था कि मिलिट्री एयर स्पेस कितनी देर में क्लियर होगी, तो अब मिलिट्री एयर स्पेस क्लियर हो गई है, अब अपन हाइट ले सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं स्पीड भी ले लेता हूँ और अब अपन चलते हैं कार्गो प्लेन के पास। वो कह रहा है फ्लाई क्लोज,
अब अपन चलते हैं कार्गो प्लेस के पास। This is Captain T in a 1989 crop duster, just enjoying the beautiful San Andreas weather. Unidentified aircraft, divert your course or we will be forced to... वो प्लेन वाले इसको रेडियो करके कह रहे हैं, तू कौन है, क्या कर रहा है, दूर हो जा, हम मार देंगे तेरे को। ओ, 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 क्या कर रहा है, पूरा घुसा दिया। अरे मत बैठ की टांग। अरे ट्रेवर सही में सबसे ज्यादा संकी आदमी इस दुनिया का। अरे साला कैसे घुसा प्लेन में, देखो उन लोगों के पास गया, उन लोगों ने रेडियो करके बोला हम मारेंगे तेरे को, बोले मारना आ जा, उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला इसे प्लेन के अंदर घुसा दिया। गजब यार, बड़ा ही दिमाग वाला है साला, और बड़ा ही जिगर वाला है यार, जिगर चाहिए ऐसे काम करने के लिए। गजब यार, फक ट्रेवर फिलिप्स हैंड्स डाउन द मोस्ट बैड एस कैरेक्टर ऑफ दिस गेम। मर गए सारे, लग रहा सारे रेड फ्लिप्स खत्म हो गए। अरे यार ये गाड़ियों से बच के रहना पड़ेगा, एक भी गाड़ी मेरे ऊपर आ जाती ना तो ले जाती साथ ही नीचे। बच गए खैर। अरे पायलट 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 मार साले को, चल साले। अरे वाह यार, प्लेन में गोली चलाई मैंने और एक भी गोली उसमें नहीं लगी, कांच में, कांच बुलेट प्रूफ है शायद इसका प्लेन का। चलो भाई सक्सेसफुली अपन ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है, अब अपन इसको लेके वहां चले जाएंगे। मस्त यार, क्या शानदार मिशन था, मजा आ गया। सैन एंड्रियास देखो आप, लॉस सैंटोस सब मेरा मतलब, देखो और इसकी प्लेन की शैडो देखो क्या सही लग रही है यार, नीचे लॉस सैंटोस कितना शानदार लग रहा है यार, क्या शानदार लग रहा है। खैर मैंने ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट भी किए हुए हैं बहुत गजब के, तो उनकी वजह से ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अरे जेट कहाँ से आ गई, ये कौन है? अरे दो मिलिट्री के जेट आ गए, दो मिलिट्री के जेट आ गए, धमका रहे हैं कि मार देंगे तेरे को। अब अपन हाइट ले लेते हैं, रॉन कह रहा है हाइट ले ले, तो ये लोग शायद इतना ऊपर ना आ पाए क्योंकि अपना प्लेन बड़ा है ना, तो अपन ज्यादा हाइट पे जा सकते हैं, तो अब अपन हाइट ले लेते हैं। अरे यार ये जेट तो पीछा छोड़ते ही नहीं लग रहे, पीछे पीछे आ रहे साले। फक कह रहे हैं तुम जल्दी से इसको एयरपोर्ट को लैंड करो, नहीं तो हम उड़ा देंगे तुम्हारा प्लेन। ये देखो दोनों जेट। अरे यार सैन एंड्रियास, ये लॉस सैंटोस क्या लग रहा है यार, क्या शानदार लग रहा है, और बहुत ही मस्त लग रहा है, मजा आ गया, क्या व्यू है। I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. ट्रेवर कह रहा है मैं तो नहीं उतार रहा, तुम मारोगे तो मेरे को वैसे भी मारोगे, मैं लैंड कर दूंगा तो भी मारोगे, तुम मारो, उखाड़ो जो उखाड़ सकते हो। ट्रेवर कह रहा है तुम मेरे को मार सकते ही नहीं हो, अगर तुमने मेरे को मार दिया ये प्लेन कहीं तो गिरेगा, जहां गिरेगा वहां सोचो कितने लोग मरेंगे। तो बात तो सही कह रहा, लौंडा दिमाग वाली बात कह रहा, तो अपन उड़ाते रहते हैं, क्या पता अब क्या होगा, देखते हैं। ओ फक ओ मेरे को इधर नहीं आना चाहिए था। अरे अरे यार साले, जैसे अपन डेजर्ट के ऊपर आए ना, ओ फक मार दी साले ने, दो मिसाइल तो लग गई अपन को। ओ दूसरी भी आ रही है, दूसरी भी आ रही है, पड़ी, ओ पड़ गई अपन को। अरे यार कितने शाणे हैं साले, उन्होंने देखा जैसे अपन डेजर्ट के ऊपर आए तब मारा सालों ने, जब अपन शहर के ऊपर थे तब नहीं मारा, जैसे अपन डेजर्ट के ऊपर आए मार दिया। अब मेरे को यार प्लेन से कूदना पड़ेगा, अब क्या करूं मैं, कुछ कर ही नहीं सकता, कहां कंट्रोल ही नहीं हो रहा प्लेन जरा भी, कूदना पड़ेगा मेरे को। फक यार कूदना पड़ेगा, बच गया। चलो मैंने पैराशूट ले लिया और अब अपन यहां से कूद रहे हैं, चलो इसी बहाने अपन स्काई डाइविंग भी कर लेंगे, मजा आएगा। शानदार, मैं इतना तेज नीचे क्यों जा रहा हूं यार, मैं धीरे कर लेता हूं, थोड़ा स्काई डाइविंग का मजा तो ले। और प्लेन देखते हैं ना, प्लेन कहां है। वो रहा, वो जा रहा। और ये कहां जा रहा है, पानी में जा रहा है मुझे लग रहा है, पानी में चला गया तो मजा आ जाएगा, जो भी इसके वेपन है, जो इसका कार्गो है, वो अपन फिर पानी में जाके चोरी कर सकते हैं। अरे मजा आ जाएगा, पानी में ही जा रहा है। ओ यस, वो क्या धमाका हुआ है, मस्त। अरे अपन जमीन के काफी पास आ गए यार, पैराशूट खोलूं मैं फटाफट। अभी तो भिड़ जाता प्लेन देखने के चक्कर में, नजारे देखने में अभी कहां हो जाता, बेचारा ट्रेवर फ्लैट हो जाता जमीन पे। अरे मस्त यार, और
आप देखो भाई का आप गेम प्ले देखो कितना शानदार है। अपन ट्रेवर के घर के बिल्कुल पास आए हैं, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल उसके दरवाजे पे लैंड करने का, मजा आ जाएगा। मुझे लग नहीं रहा, मेरे को लग रहा मैं इस दीवार इस छत में भिड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बचने की। चलो ट्रेवर के घर के बिल्कुल पास है, देखो कोई दो कदम पे उतरे अपन। कितना शानदार लैंडिंग करी भाई ने, पैट्रिशिया गार्डनिंग कर रही है। ये सेट हो गई क्या ट्रेवर से? लग तो ऐसे ही रहा, एड हाय भी बोल रही यार। चलो अब रॉन से अपन फोन करके बात कर लेते हैं कि बता बेटे ये क्या हुआ। ट्रेवर, शिट, आर यू ओके? आई सॉ द प्लेन गो डाउन। आई सर्वाइव्ड एंड लिजर्ड आर्मी डिडंट डू सो वेल, सो दैट्स समथिंग। The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Oh, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay. Look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. तो वो पूछ रहा है तुम लोग FBI के साथ काम कर रहे हो क्या? उसको पता लग गया रॉन को, क्योंकि यहाँ पे कोई आया था एजेंट सैंचेस करके, और वो कुछ बोल के गया है कि यहाँ पे मिलना है अपन को, ट्रेवर को वहाँ पे जाना है। और माइकल पता नहीं कहाँ है, माइकल और ट्रेवर दोनों को वहाँ पे जाना है। तो अब देखेंगे अपन उसको क्या करना है। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।